अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो है चिकन पकोड़ा रेसिपी। यस, ये बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे और बहुत ही मज़े के और क्विक बनते हैं। आप एक बार बनाओगे तो डेफिनेटली आप बार बार बनाओगे। ये रेसिपी कैसे बनानी है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, चलें हम लोग जल्दी से चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सिंपल और इजी है और किस तरह से बनने वाली है। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए बोनलेस चिकन। मैंने यूज़ किए 6 ब्रेस्ट पीस, और आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़े भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा एक साथ ज़्यादा सारा करके मैं रख देती हूँ क्योंकि थोड़ा और चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है। तो मैंने 6 ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसे मैंने प्रेशर कुकर के अंदर किया है, 20 मिनट के लिए प्रेशर दिया था। इसके अंदर मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए थे वो थे रेड चिली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और नमक, और उसके अलावा आप जो है इसके अंदर कुछ दूसरे हर्ब्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे सिनेमन ऐड कर सकते हो, आप इलायची ऐड कर सकते हो, तो उसमें फ़्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप देखो चिकन इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि वो आराम से टूट जाए, आपको कुछ करना ही ना पड़े। उसके बाद मैं बैठी हूँ चिकन के रेशे करने के लिए, और ये मेरा जो जोरो है ये मेरे साथ ही बैठा हुआ था, तो हम लोग साथ में लगे हुए थे। मैं कर रही हूँ इनके रेशे अच्छी तरह से, और ये आप देखो इतना सॉफ्ट चिकन है कि मैं जस्ट हाथ ही लगा रही हूँ और वो खुद ही रेशे हुए जा रहे हैं। तो ये चिकन आपका इतना सॉफ्ट होना चाहिए, और अगर आप स्पाइसेस अच्छे डाल देते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि चिकन पे ऑलरेडी स्पाइसेस होंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रख दिया वापस ताकि मैं दूसरी चीज़ में यूज़ कर सकूं, और आधा मैंने पकौड़ों के लिए ले लिया। इसके अंदर जो वेजीज़ यूज़ हो रहे हैं, मैं बंद गोभी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी से मैंने कैप्सिकम लिए हैं, कद्दूकश की थी मैंने, गाजर, उसके अलावा अगर आप कुछ और कॉर्न ऐड करना चाहो, मशरूम्स ऐड करना चाहो, तो आप सब कुछ ऐड कर सकते हो जो जो आपको वेजीज़ पसंद हैं। इन सब वेजिटेबल्स को डालने के बाद मैं सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिली सॉस। एक्चुअली चिली केचप है जो बहुत स्पाइसी होती है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको मिल जाए तो आप कर लें, नहीं तो आप कोई और स्पाइसी वाली जो केचप है वो यूज़ कर लें। तो आपको जस्ट ये 1 टेबलस्पून या जितना आप ज़्यादा स्पाइसी या कम, जितना भी ऑब्वियसली स्पाइसेस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस। चिली सॉस मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून फुल, और क्योंकि ये जो चम्मच है ये टेबलस्पून से कम है। उसके बाद मैंने विनेगर ऐड किया है, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम, और इन सब चीज़ों को अब कर रही हूँ अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद मैं जो ड्राई स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, उसके बाद इसके अंदर जाएगा क्रश्ड रेड चिली। स्पाइसेस आपको कितने ज़्यादा पसंद है, कितने कम पसंद है, आपने उस तरह से डालने हैं। मैंने थोड़े से ये स्पाइसी बनाए थे, और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया सॉल्ट। सॉल्ट आपने ध्यान रखना है, कम डालना है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये चिकन बॉयल हुआ था तो इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया गया था, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, अदरवाइज़ आपने इतना नहीं डालना। 1 टीस्पून आपके लिए फुल भर के नहीं, कम तो वो काफ़ी होगा। उसके बाद ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद अब हम करते हैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स। तो अभी इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करना, कुछ नहीं ऐड करना, वैसे भी इसके अंदर पानी बहुत कम ही यूज़ होता है क्योंकि जो हमने ये चीज़ें सॉस वगैरह डालनी है और कुछ वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देंगी, तो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे था स्पाइसी, मुझे थोड़ा सा लग रहा था स्पाइसेस कम है, तो मैंने एक्स्ट्रा रेड चिली जो है थोड़ी सी और ऐड कर दी। अब मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदा इसके अंदर मैंने ऐड किया 2 to 3 टेबलस्पून आपने मैदा ऐड करना है, और 3 to 4 टेबलस्पून जो है बेसन ऐड करना है, कचरा नहीं करना, इस तरह से सफाई से काम करें। और उसके बाद हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना शुरू कर देना है। तो एक दफ़ा जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आपको लगे कि नहीं ये ड्राई ज़्यादा हो रहा है, तो आप हाथ में पानी लें हल्का सा और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें और फिर इसे मिक्स कर दें। बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड आपने नहीं करना, वरना आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मैं हल्का हल्का सा हाथ में पानी लेके मैंने ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था और इस तरह से, और उसके बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया था ताकि अगर इन केस ज़्यादा ड्राई हो रहा हो तो वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाए और पकौड़े थोड़े से आपके सॉफ्ट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो ये अब मैं मिक्स करते हुए इन्हें अच्छी तरह से, मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह मिक्स किया था। अब हम लोगों ने ऑयल रखना है गर्म होने के लिए, और ऑयल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि आप जैसे पकोड़े डालो तो वो फ़ौरन से इस तरह से पकना शुरू हो जाए। और एक दफ़ा जब आपका ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो आपने फ्लेम को मीडियम कर देना, हाई नहीं रखना, वरना ऊपर ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अच्छा, ये पकौड़े आपने हाथ से ही डालने हैं और बहुत
छोटे छोटे डालने, मतलब बड़े बड़े इनके मत बनाना, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े बड़े बनाओगे ना तो वो उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे और उतना मज़ा नहीं आएगा। जितने आप छोटे छोटे से बनाओगे ना उतना आपको खाने में मज़ा आएगा और ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो मैं, आप देख सकते हो कि किस तरह से छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे भी डाल रही हूँ, थोड़े से नॉर्मल भी डाल रही हूँ, लेकिन मैं बड़े बड़े पीसेज नहीं बिल्कुल भी ऐड कर रही, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आता। और मज़े की बात ये एक साथ बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ये वो नॉर्मल दूसरे पकौड़ों की तरह नहीं है आलू वाले, तो ये आप काफ़ी ज़्यादा एक साथ बना सकते हो और ये काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। अब आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर चेंज होने पे आ जाएगा और वेजीज जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी आपको। आप खुले पैन में अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने जल्दी से इसमें बना लिया। ये आप देखें, इस तरह के ब्राउन आपके अच्छे से होने चाहिए और ये देखने में पता चल रहा है कि कितने क्रिस्पी बने हैं। अब हम इन्हें टेस्ट करते हैं। सो दीज आर माई चिकन पकौड़ा, और इसके साथ मैंने बनाई है ग्रीन चटनी, जो धनिया पुदीना वाली होती है, आई एम श्योर सबको पता है, बहुत बेसिक सी चटनी है। सो मैंने कहा लेट्स ट्राई, और मैं आप लोगों के साथ ट्राई, छोटे छोटे बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा ज़्यादा खाने में, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो लेट्स ट्राई, ये गया टिप। स्पाइसी, ऊपर से चटनी भी स्पाइसी है। क्या कोई खाने में इंटरेस्टेड है? सो गुड, माशाल्लाह। तो आप लोग भी ज़रूर जाओ, ज़रूर ट्राई करो और मुझे ज़रूर बताना इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर पसंद आए तो ऑब्वियसली दिल ज़रूर देना नीचे। जब तक आप लोग ट्राई करोगे मैं ज़रा अपने बाकी के भी जल्दी जल्दी खा लूँ, क्योंकि इतने स्पाइसी हैं, एकदम खाने में इतना मज़ा आ रहा है कि मैं अपना जो टेम्पो है वो ख़राब नहीं करना चाहती। इंशाल्लाह इसी तरह की किसी मज़े की रेसिपी के साथ मैं आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ। तब लोग आप लोग अपना रमज़ान इन्जॉय करें और खाएँ पिएँ और मस्त रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।